प्रताप नगर की इस पावन भक्ति में संध्या पर मैं हेड बॉय आयुष जैन और मैं हेड गर्ल पूजा राजावत आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारा प्रयास रहता है कि हम हर बार जन्माष्टमी की इस भक्ति में बेला को आनंद के सागर परम तत्व श्री कृष्ण के चरित्रों के गान द्वारा और भी सुरंग बना दें और इसी सुरंग सारंग को नए नए आयाम देने के लिए हम आपके समक्ष कुछ प्रस्तुतियां लेकर आते हैं जिनमें नंद नंदन की लीलाओं के चित्रण कुछ नए ढंग से करने का बाल प्रयास करते हैं। और इसी कड़ी में इस बार हम आपके लिए श्री बांके बिहारी जी के बांकेपन को विस्तार से प्रस्तुत करेंगे जिसमें उनके स्वरूप को प्रकट करने वाले श्री चिन्हों के विषय में भी जानकारियां दी जाएंगी। पर जैसा कि भक्त कवियों ने अपनी रचनाओं में कहा है, हरि कथा को जितनी बार भी और जितने रूपों में भी प्रकट किया जाए वह कभी पूरी नहीं हो पाती। तो हमने जो प्रयास किया है उस प्रयास को आप सभी अपनी भक्तिमय भावना से स्वीकार करें और उसे भक्तिमय पूर्णता प्रदान करें। तो आइए हमारे साथ ले चलते हैं आपको व्रज की उस धरा पर जहाँ श्री कृष्ण और गोपियों का नित्य रास होता है, जहाँ गोपियों का नंद नंदन के साथ नित्य संवाद होता है, नृत्य होता है, संगीत होता है। तो कभी किसी दिन उसी संगीत को सुनते हुए जो संवाद उत्पन्न होता है उस संवाद में क्या क्या हो रहा है इसका आनंद लेते हैं और श्री चिन्हों के विषय में जानते हैं। तो चलते हैं वहाँ जहाँ नित्य लीला में आज व्रज में संगीत का आनंद बरस रहा है। साथ ही साथ आप सभी से प्रार्थना है कि इन प्रस्तुतियों में कोई बाधा उत्पन्न ना हो, इसलिए आप सभी अपने मोबाइल फोन बंद कर दें या साइलेंट मोड पर डाल दें ताकि प्रस्तुतियां निर्विघ्न संपन्न हो सके। आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि तस्वीरें खींचने के लिए आगे ना आए, सभी तस्वीरें स्कूल वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दी जाएंगी। तो आइए हमारे साथ प्रस्तुतियों का आनंद लेने। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। आ ले ले ला आ ले ले ला आ ले ले ला आ ले ले ला।
मेरा मन तो पल्ले उछलने लगा, पर ये लोग हैं कौन? अरे ये ब्रज मंडल के भक्त वृंद है, जगह जगह जाकर श्याम सलोने सांवरे के भजनामृत का सबको पान कराते हैं। अच्छा, तभी इस भजनामृत का पान करके अब तो मेरे उस सांवरे सलोने को पूर्ण श्रृंगार में निहारने की इच्छा हो रही है। क्यों ना आज कन्हैया की श्रृंगार लीला की जाए? तो चलो अनंत राशि कन्हैया का श्रृंगार करते हैं। पर हमारे ब्रजभूषण है कहाँ? हाँ हाँ, कहाँ है? अरे वो निकुंज में किशोरी जी श्री राधिका जी के साथ विहार कर रहे, तत्पश्चात यहाँ पधारेंगे। तो उनके यहाँ आते ही आज श्याम और श्याम का श्रृंगार हो जाए। तो चलो, उनके श्रृंगार के लिए तो बहुत सारे सामान की आवश्यकता पड़ेगी, उसकी व्यवस्था भी तो करनी है। व्यवस्था तो कर लेंगे, पर पहले ये तो पता चले कि चाहिए क्या क्या। इसमें क्या है, वे नंद नंदन मोरपंख लगाते हैं, मुरली धारण करते हैं और क्या क्या धारण करते हैं? और श्री चिन्ह तो बहुत सारे हैं, पर क्या पर मेरा ध्यान तो हमेशा उनके मुखचंद्र की ओर ही रहता है, इसलिए सभी श्री चिन्हों के बारे में मुझे इतना ज्ञान नहीं है। तू बताना। अरे क्या बताऊं सखी, मेरा भी यही हाल है। वो रूप माधुरी मेरे सामने आते ही मेरा मन रबर की तरह उस मुख प्रसून के एक गिर्द ही घूमता रहता है। हमारा भी यही हाल है सखी। अरे इस तरह तो हमारी श्रृंगार लीला अधूरी रह जाएगी। नहीं नहीं, ये लीला सांवरे के लिए है, तो वहीं से फोन करेंगे। हम बस ध्यान भरते हैं, कोई ना कोई रास्ता निकल ही जाएगा। हाँ हाँ, तुम सही कह रही हो, ऐसा ही करते हैं। क्या बात है, क्या आज नित्य रास में भजन के बाद और कुछ नहीं होगा क्या? अरे देवर्षि प्रणाम। कल्याण कल्याण। देवर्षि आप तो जानते हैं कि नित्य रास में हम नटवर नागर के लिए कुछ नई लीला करने का प्रयास करते हैं ताकि उन्हें रुझा सके, इसलिए हमने उनके लिए श्रृंगार लीला के बारे में सोचा है। अति उत्तम अति उत्तम, आनंद आएगा। हम भी गोपियों का वेश धरकर शामिल होंगे और कानपुर जी के श्रृंगार का आनंद लेंगे, तो शुरू कीजिए ना। पर यही तो समस्या है कि हमें उनके सभी श्री चिन्हों के विषय में जानकारी नहीं है, पर देवर्षि आप तो उनके तत्वों को जानने वाले हैं, ज्ञानी है, आप तो हमें मार्ग दिखा सकते हैं। हाँ, आप हमें बता दीजिए, हम उन सभी श्री चिन्हों से उनका श्रृंगार करेंगे। श्री चिन्ह तो मैं बता दूंगा, पर उनके श्रृंगार का आनंद तुम्हें प्राप्त नहीं हो पाएगा। क्यों देवर्षि? क्योंकि श्री कृष्ण अवतार में जब गदाधर जगदीश्वर ने जितने भी श्री चिन्हों को धारण किया है उन सभी के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य है, कोई ना कोई कथा अवश्य है, और उनको प्रदान करने वाले भी कौन कौन है। इन सब के बारे में जाने बिना या इन सब के ज्ञान के बिना तुम्हारी ये श्रृंगार लीला तो कभी पूर्ण नहीं हो सकती। देवर्षि आप गोपी रूप में हमारी सखी हैं और देवर्षि रूप में हमारी गुरु हैं, तो हमारा पत्र दर्शन कीजिए, हमें उनके सभी चिन्हों और बाल लीलाओं की कथा सुनाइए। हाँ, श्याम श्याम हमें निकुंज से पधारे नहीं है, तो हमारे पास पर्याप्त समय भी है। और आप तो परम ज्ञाता है, ज्ञान प्राप्त होने के बाद हमारा आनंद भी बढ़ जाएगा। हाँ हाँ देवर्षि, हम पर इतनी कृपा कीजिए। नारायण नारायण, नेकी और पूछ, हम तो उनके लीला गान के लिए सदा ही प्रस्तुत रहते हैं। तो आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें उनके जन्म लेने के समय से बताता हूँ कि उनको उनके बचपन का